हेलो नमस्कार, मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं 1576th एपिसोड ऑफ नागपुर्स मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो, जिसका नाम है राज की बात विमेन ऑफ द ईयर के साथ। रियली वांट टू थैंक पारिक ब्रदर जूलर्स प्रेजेंटिंग राज की बात विमेन ऑफ द ईयर इन एसोसिएशन विद द पहनावा बुटीक। ऑल्सो अ बिग थैंक यू टू कच्छ द सलोन नाउ एट शिवाजी नगर। कांट फॉरगेट टू थैंक मैम्पी रिजेबल डायपर्स फॉर चिल्ड्रन एंड ऑल्सो लिव फिट अ जिम बाय पूजा शेलके, विच इज हेल्पिंग लॉट ऑफ लेडीज आउट देयर विद हु आर फेसिंग इशूज लाइक ओबेसिटी एंड वॉन्ट टू हैव फैट लॉस। सो प्लीज कनेक्ट पूजा शेलके एंड हर जिम लिव फिट। हमारी आज की जो मेहमान है, शी इज अ लेडी टू होम शी इज नॉट जस्ट अ वुमन ऑफ द ईयर, शी इज अ सुपर वुमन ऑफ द ईयर बिकॉज शी इज वर्किंग रियली हार्ड इन मेकिंग पीपल्स लाइफ लुक ब्यूटिफुल एंड पीपल हैविंग अ ग्रेट स्माइल। शी इज अ स्माइल स्पेशलिस्ट, शी इज समवन हु ऑल्सो गिव्स यू पेन, बट द आइडिया इज टू मेक योर लाइफ पेनलेस विथ द रूट कनाल एज अ रूट कनाल स्पेशलिस्ट एंड ऑल्सो इज वर्किंग फॉर द सोसाइटी टू ग्रो नॉट जस्ट विथ एड्यूकेशन but also health. Please welcome my guest today, my superwoman of the year, Dr. Deepika Chandok. Ma'am, swagat aapka Raj ki baat mein. Thank you so much, RJ Raj. And before we begin, let me tell you ki I love the way you speak. Bilkul lay mein baat karte hai aap. So wonderful meeting you. Thank you, ma'am. Ma'am, sabse pehle to ye ki Thosre saab ki beti aaj itna kuch kar rahi hai. Kahani kya hai Deepika ji ki? Kya baat hai? Jab hum kahani ki baat karte hain, तो मेरे ख्याल से बचपन से शुरुआत करना एक अच्छी बात होगी। तो मेरा जन्म हालांकि नागपुर में ही हुआ है, बोथ माय पेरेंट्स आर फ्रॉम नागपुर और फादर जो मेरे हैं वो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में थे, ही वाज इन द IFS। उसकी वजह से ट्रांसफर होती रहती थी काफी जगहों पे जी। और पहली जो ट्रांसफर उनकी हुई बचपन में जो मुझे बताया जाता है वो थी अलीबाग। और अलीबाग में एक सुंदर सा बंगलो था जी, बिल्कुल समुन्दर के किनारे। और जैसे हम पेंटिंग्स में नहीं देखते जी, कि एक पेंटिंग बनी हुई है सुंदर सी जहाँ समुन्दर बना है, एक शानदार सा घर, और यू नो इट वाज द आइडियल प्लेस टू लिव। बट एट द सेम टाइम इट वाज अ हॉरर फॉर माय मदर, क्योंकि मी एंड माय मदर वर द ओनली टू पीपल स्टेइंग, क्योंकि पापा बहुत टूरिंग करते थे जी। आफ्टर विच ट्रांसफर हर 2 से 3 साल अलग अलग जगहों पे होती रही। फॉरेस्ट में बहुत ज्यादा घूमना हुआ है एंड माय फादर वाज द प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट। तो वहां तक की जर्नी तक मुझे याद है बचपन में क्या है कि कुछ चीजें जब ओवर हो जाती है ना तो ऐसे लगता है पेरेंट्स खींच खींच के लेके जाते थे कि चलो जंगल चलो, 2-2 महीने आप जंगल में कोर एरिया में गुजारे हो। बट आज उसका इम्पोर्टेंस पता चलता है बिकॉज समवेयर व्हेन यू आर बोर्न एंड ब्रॉट अप क्लोज टू नेचर द नेचर स्पीक्स टू यू इन डिफरेंट वेज। सो आई थिंक दैट हैज मेड अ ग्रेट चेंज इन माई लाइफ। बचपन से क्या सपने थे, क्या करना था, क्या बनना था? बहुत ऑनेस्टली आपको बताओ आरजे राज, मुझे बचपन में पापा जैसा बनना था। जैसे हर लड़की को होता है ऑलमोस्ट कि पापा जैसे बात करते हैं, जैसे चलते हैं, जैसे उनका बॉडी लैंग्वेज है। फिर धीरे धीरे जैसे टाइम बीतता गया मुझे डेंटिस्ट्री में काफी इंटरेस्ट आया बिकॉज डेंटिस्ट्री इज वन ब्रांच विच कम्बाइंस आर्ट एंड साइंस बोथ। मतलब ये नहीं है कि आप बैठे हो, आप बस प्रिस्क्रिप्शन आपने लिख दी है जी, गोली खा लो, हो गया काम। एट द सेम टाइम यू हैव टू बी एन अमेजिंग अमेजिंग आर्टिस्ट। जब तक आपका हाथ अच्छा नहीं है पेशेंट आपके पास नहीं आता है जी। सो एंड बीइंग अ लिटिल बिट क्रिएटिव सिंस चाइल्डहुड, आई लव द कॉन्फ्लुएंस ऑफ दिस आर्ट एंड साइंस एंड दैट्स द रीजन आई चोज डेंटिस्ट्री। बीडीएस के बाद ये था कि आगे क्या करें जी। तो द रीजन आई बिकेम अ स्माइल डिजाइनिंग एंड अ रूट कैनाल स्पेशलिस्ट इज बिकॉज वन, इट इज वन ऑफ द मोस्ट सॉट आफ्टर ब्रांच एंड सेकेंड, आज भी हमारे देश में 80% लोग डेंटिस्ट के पास इसीलिए जाते हैं क्योंकि उनको पेन है जी। सो द मेन थिंग विच वी डू, आजकल दांत काफी कम निकालते हैं, वी ट्राई एंड सेव मोस्ट ऑफ द टीथ एंड द ओनली वे टू सेव टीथ इज टू रूट कैनाल्स, राइट? सो आई, दैट्स द रीजन आई गॉट इनटू रूट कैनाल्स, वो करते करते स्माइल डिजाइनिंग एंड टुडे आई फील दैट माय मोटो और यू कैन से माय एस्पिरेशन इन लाइफ इज टू ब्रिंग स्माइल्स ऑन मिलियंस ऑफ फेसेस। थैंक यू। बट देन जब यू नो आपके, बिकॉज आपके फादर एक ऐसे यू नो काम प्रोफेशन में थे जिसमें आपको यू नो ट्रैवल करना पड़ता था, यू हैव टू शिफ्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अदर, ट्रांसफर्स होते थे, नागपुर आना कब हुआ
एंड उसके बाद नागपुर में क्यों रह गई आप? Oh, that's a great question, RJ Raj. Mm-hmm. And I, in fact, wait for people to ask me this. Mm-hmm. So, Nagpur aana kaise hua? Mm-hmm. So, I got married 16 years back to Dr. Jasmi Chando, who was a prosthodontist. And we met in Pune. Mein. Mm-hmm. Education mera Pune mein hua. Wahan se Delhi, we shifted because he's basically from Delhi. Mm-hmm. My in-laws are from Delhi. And we practiced there for a few years. Mm-hmm. Now, Delhi is a wonderful place. The only thing which we like is about Nagpur, and the reason we shifted here is because number one, the traveling is less. Mm-hmm. Number two, it's a very livable place. Mm-hmm. And three, and the most important thing which I would love for the whole world to know, that I believe that is one of the happiest place. Super. So that's the reason we shifted 10 years back from Delhi to Nagpur. Mm-hmm. And we established our practice. But then ye jo two states hai. When Maharashtra meets Punjab, तब क्या होता है? Oh, when Maharashtra meets Punjab, it's like a complete cultural masala. मतलब झुनका भाकर meeting दाल मखानी. Absolutely, I would like to share one story with you. Mm-hmm. So this is the first time my parents met Jasmeet's parents and you know the relatives and all, they were very excited. And क्या होता है जब आप बहुत excited होते हो ना, तो आप अपनी बोली बोलना शुरू कर देते हो. जैसे महाराष्ट्र मराठी बोलता है, पंजाब भी हिंदी छोड़ के, they don't realize when they shift to Punjabi. Right. So there was this auntie who we stayed in Pune that time, so we had flown from Pune. So there was this auntie who kept asking my mother, Hune aaye in Punjabi means abhi aaye ho kya? Mm-hmm. You know, Hune aaye ki abhi aaye ho kya? Jee. So my mom listened once, twice, Hune aaye, and then finally my mom said, haan, Pune se aaye. So super. There are a lot of stories like this, and this is what I think brings fun to our everyday life. जो आप काम करती हैं एज अ प्रोफेशनल, अगर आप देखें तो यू नो यू आर इन टू डेंटिस्ट्री, एंड जब आपने शुरू किया था एज अ यू नो व्हेन यू गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू बिकम अ डेंटिस्ट, वक्त के साथ हम देख रहे हैं कि डेंटिस्ट्री में भी बहुत सारा एवोल्यूशन आया है. Absolutely. और डेंटिस्ट्री इज नाउ मूविंग टूवर्ड्स कॉस्मेटोलॉजी ऑल्सो. हम देख रहे हैं कि कॉस्मेटिक तरीके से भी यू नो स्माइल बनाई जा रही है. देयर इज सो मच इनटू इट. यू आर अ स्माइल डिजाइनिंग स्पेशलिस्ट. तो क्या जरूरत है एक स्माइल डिजाइनिंग यू नो स्माइल डिजाइनर की, एक स्माइल डिजाइनिंग डेंटिस्ट की क्या जरूरत है आज की तारीख में हर किसी को? बिल्कुल. सो लाइक आर्जे राज, आपको पता होगा कि पहले हमारे बचपन में दांत निकालना वाज वन ऑफ द मोस्ट पेनफुल थिंग. मतलब डॉक्टर के पास जाओ, दांत निकालो, मतलब आप सोचो नर्क जाके वापस आ गए. बट स्लोली स्लोली व्हाट हैपेंड, डेंटिस्ट्री स्टार्टेड बिकमिंग पेनलेस, यू नो. और अभी जो इंजेक्शंस हम देते हैं, इट इज ऑलमोस्ट पेनलेस, आई वुडंट से कंप्लीटली, लेकिन ऑलमोस्ट पेनलेस. पहले जेल दिया जाता है, इंजेक्शन, व्हाटएवर. एट द सेम टाइम क्या हुआ कि विद द एडवेंट ऑफ द सोशल मीडिया एंड अदर थिंग्स, पीपल स्टार्टेड गेटिंग कॉन्शियस अबाउट देयर स्माइल. Mm-hmm. And if you notice, smile is the first thing which anybody notices. Absolutely. आप कितने भी you dress up well, आप कैसे भी खुद को present करो, a personality is incomplete without a smile. Absolutely. Right? So when people put their pictures on social media, or if someone is like a speaker, or you know, even if somebody is doing a job, आज smile इतनी important हो गई है that it actually is synonymous with a person's personality. Right? Mm-hmm. So smile designing is nothing but, जैसे हम कपड़े design करते हैं, in the same way there is something known as a perfect smile. Mm-hmm. Okay, so this perfect smile is different for you. Mm-hmm. It's different for me, it's different for anybody else, it's very subjective, right? Mm-hmm. क्योंकि एक जो हम कहते हैं ना, वो माधुरी दीक्षित की स्माइल, जी. तो सब लोग देख के फिदा हो जाते हैं, जी. वो आइडियली परफेक्ट स्माइल है, या mm-hmm. मधुबाला की स्माइल, right? जी. लेकिन आरजे राज की स्माइल आरजे राज के लिए परफेक्ट हो, जी. Right? So smile designing is very simple. एक प्रोपोर्शन होता है हमारे दांत का विद ईच अदर एंड दैट विद द गम्स. आप जब हंसते हैं ना, दिस इज कॉल्ड अ स्माइल कर्व. Mm-hmm. और कहा जाता है कि स्माइल इज अ कर्व विच सेट्स एवरीथिंग स्ट्रेट, राइट? राइट. सो वंस एनीबॉडी स्माइल्स, योर टीथ शुड बी इन प्रोपोर्शन एंड इन प्रोपोर्शन विद द गम्स. सो दैट इज व्हाट वी टेक केयर ऑफ. उसके अलग अलग मोडालिटीज है, कभी
फिलिंग की जरूरत पड़ती है, कभी कैपिंग की जरूरत पड़ती है, कभी रूट कैनाल, कभी विनियर्स, अलग अलग मोडालिटीज है. लेकिन इट्स वेरी सब्जेक्टिव टू व्हाट द पेशेंट रिक्वायर्स. एंड वंस द कंप्लीट स्माइल डिजाइनिंग इज डन, द पर्सन फील्स मच मोर कंफर्टेबल, मच मोर कॉन्फिडेंट. ऑल्सो इफ समबडी से वॉन्ट्स टू गेट मैरिड या यू नो ऐसे टाइप के पेशेंट्स थोड़ा ज्यादा आते हैं, और इफ समबडी इज लाइक यू नो किसी जॉब में बहुत ज्यादा बोलने का काम है, या जनरली कोई हाउस वाइफ है हु वॉन्ट्स टू जस्ट ब्राइटन देयर स्माइल, सो मोडालिटीज लाइक ब्लीचिंग आर डन फॉर देम. So there are different ways to do it. The final motto is, apart from getting a good smile, it should be comfortable to the patient. So and why do people think that smile designing is a very costly affair? Oh, that's a great question. Let me break this myth. All my questions are great. Yeah. You're good at what you do, right? Thank you, ma'am. Please. So, smile designing is costly is a myth. Let me break that. Because it depends. अगर सिर्फ फिलिंग्स से काम होता है, मतलब दांत साफ करना जिसको हम स्केलिंग कहते हैं, और फिलिंग्स से काफी सारी स्माइल्स ठीक हो जाती है. बिकॉज हमें सबको माधुरी दीक्षित नहीं बनाना है, राइट? हमें उनको कंफर्टेबल कराना है. सो इट इज नॉट कॉस्टली, इट इज सब्जेक्टिव टू व्हाट इज द नीड ऑफ द पेशेंट. हैविंग सेड दैट, देयर इज अ रेंज. So it can you know start from somewhere around, I'm just giving a range, 1500 to 2000, and it goes upward. So agar veneers hai, caps hai, then of course it goes high, because the kind of material which is used, kehte hai ki daat jis material ka banta hai, that is harder than enamel. Absolutely. Unless it will break, right? And yeah. Also it is in a very dynamic environment, because the saliva is around, right? So the material which is to be used has to be of a very good quality. So Indian materials bhi aajkal achhe aa rahe hain, German materials. If you are going for caps and veneers, then it goes little bit on a high side, but nowadays the costing has reduced drastically. Ma'am, वक्त के साथ ये एक काम आपका चल रहा है, एज अ प्रोफेशनल यू आर डूइंग ग्रेट, पीपल कम टू यू एंड यू नो दे टेक ऑल योर सर्विसेज व्हेन इट कम्स टू रूट कैनाल एंड यू नो स्माइल डिजाइनिंग, बट देन यू केम अप विद अ बुक, विद अ टेक्स्ट बुक, एंड आई थिंक दिस इज वन ऑफ इट्स काइंड, वेयर प्रॉब्ली द ओनली बुक विच वॉज बीन इनॉग्रेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया. Yes. And that's a big thing. That's an honor. That's, I think, people of Nagpur should, you know, should feel now honored that, you know, they live in a city where, you know, Dr. Deepika, you know, Chandok lives, who have, you know, inaugurated the book by the hands of the President of India. And how did that happen? And wo textbook kis bare mein? First of all, I feel I am highly grateful for what has happened, because I just feel I'm lucky. I mean, एक होता है book लिखना और एक होता है उसका recognition होना. बिल्कुल. So the book is called Conservative Dentistry Basics, and it was inaugurated by the late Pranab Mukherjee sir, who was the President of India in 2017. Right. And this book was selected, and it there was a proper ceremony for 2 hours, where it was inaugurated, followed by the various speeches and the detailing about the book. It was attended by around 200 invitees, followed by lunch. But it is something which I feel not only for me, but it is a pride for dentistry. Because काफी बार क्या होता है, dentistry is little bit overlooked. क्योंकि इमरजेंसी तो है नहीं, बट इट इज वन ब्रांच. क्योंकि कहते हैं ना, जो डेंटल पेन होता है, इट इज नेक्स्ट टू अ लेबर पेन. सो एक बार वो दांत दुखना रात को चालू हो जाता है, फिर वो हर एक अलग अलग टाइप का भगवान ही याद आता है. बिल्कुल सच. सो द बुक वी रोट, माय को ऑथर इज डॉक्टर दिलदीप बाली, उनके साथ मैंने ये बुक लिखी है. एंड वी वर प्रिविलेज टू हैव इनॉग्रेटेड एट सच अ गुड लेवल, एंड आई वुड लव फॉर द डेंटल स्टूडेंट्स टू रीड अबाउट इट. मैम, एक तरफ एक किताब लिखना, एक तरफ ये डेंटिस्ट्री का एक अच्छा काम होना, और फिर आप एक एनजीओ लेकर आती हैं, एक कोशिश लेकर आती हैं, स्वास्थ्य वृक्ष फाउंडेशन, SVF. क्या ऑब्जेक्टिव था जब आपने इसके बारे में सोचा भी, और ये थॉट कहाँ से आता है? सो यस, SVF आई वुड से वाज अ ड्रीम, एंड दिस स्टार्टेड 2.5 years बैक. स्वास्थ्य वृक्ष फाउंडेशन, स्वास्थ्य इज हेल्थ, वृक्ष इज एनवायरमेंट. एंड आजीराज, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई फील देर इज अ ह्यूज गैप टिल टुडे बिटवीन द हैव्स एंड द हैव नॉट्स, राइट? एंड वी एज द प्रिविलेज सोसाइटी नीड टू समवेयर ब्रिज द गैप. एंड आई ट्रूली बिलीव कि जो भी हम सोशल वर्क चैरिटी बोलते हैं,
इट इज अ वेरी सेल्फिश डीड. आई डू इट फॉर माई सेल्फिश पर्पस. Mm-hmm. And the selfish purpose being that there is something known as the giver's gain. Absolutely. Right? So whatever you give back comes back in multiple folds, right? Mm-hmm. And that is the only reason why we founded Swastvriksh Foundation. Mm-hmm. And we have co-founders like Abhishek Chawla sir, my husband Dr. Jasmeet Chando, Dr. Girish Charde. So we all came together and we thought that हमारा रूटीन तो चलता ही है, पेशेंट ओपीडी ये वो, बट लेट्स डू समथिंग विच वी बिलीव इन, जिसमें हमको मजा आए, एंड समथिंग विच अगेन विल गेट स्माइल्स ऑन द फेसेस ऑफ मिलियंस. एंड दैट्स द रीजन वी हैव 100 प्लस वॉलंटियर्स, डॉक्टर्स, प्रोफेशनल्स, वी हैव अ युवा विंग जो हमारे साथ जुड़े हैं. इसके थ्रू हम लोग अलग अलग टाइप के इनिशिएटिव्स एज रिगार्ड्स टू एनवायरमेंट एंड हेल्थ ऑल थ्रू आउट द ईयर लेते हैं, जिसमें हमें बड़ा मजा आता है. क्योंकि एज अ ग्रुप जब आप कुछ करते हैं एंड उसकी वजह से जब आप स्माइल्स लाते हो लोगों के लाइफ में, थोड़ा बहुत डिफरेंस लाते हो, सो आई थिंक देयर कैन बी अ नो बेटर फीलिंग देन दैट इन द वर्ल्ड. बट मैम, हम जब देखते हैं कि यूरोप हो या फिर वो बाकी देश हो दुनिया में, उनका एक बहुत बड़ा जीडीपी का हिस्सा एडुकेशन और हेल्थ पे खर्चा होता है. लेकिन जब हम भारत को देखते हैं, कोविड के टाइम पे एक्चुअली सभी पन्ने खुलकर सामने आए, तब लोगों को ये बात रियलाइज भी हुई कि भारत का जो जीडीपी का जो एक बड़ा हिस्सा है वो बाकी चीज़ों में ज़्यादा जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर, री इंफ्रास्ट्रक्चर और ये सब चीज़ों में जा रहा है, ना कि हेल्थ पर. कितना दुर्भाग्यपूर्ण मानते हैं इसको? आजेराज, ऑनेस्टली मैं इसे इतना दुर्भाग्यपूर्ण नहीं मानती हूँ. Mm-hmm. क्योंकि लाइक यू आर सेइंग कि सम मोर परसेंटेज ऑफ द जीडीपी नीड्स टू गो इन हेल्थ, लेकिन अभी जो सिनेरियो आफ्टर कोविड जो मैं देख रही हूँ, यस थिंग्स नीड टू चेंज, बट दे आर चेंजिंग ऑन अ वेरी रैपिड रेट. तो चेंज हम लोग लाना चाह रहे थे इतने सालों से, जो लोगों के मन में जो भावना, जो गवर्नमेंट के मन में या उनके जो सोच में हम परिवर्तन देखना चाह रहे थे, दैट इज एक्चुअली हैपनिंग. एंड द काइंड ऑफ हेल्प वी सॉ ड्यूरिंग कोविड, द टाइम, द काइंड ऑफ एंथुजियाज्म, द काइंड ऑफ इन्वॉल्वमेंट वी सॉ ड्यूरिंग कोविड एंड पोस्ट कोविड, मैं समझती हूँ इसमें जमीन आसमान का फर्क है. सो द टारगेट विच वी आर प्लानिंग टू अचीव इज क्वाइट क्लोज बाय. Swastvriksh Foundation क्या अचीव करना चाहता है, क्या करना चाहता है? ओके, अगेन मैं आपको बोलूंगी, थैंक यू फॉर द क्वेश्चन, इट्स अ ग्रेट क्वेश्चन. विद अटमोस्ट ह्यूमिलिटी एंड ग्रैटिट्यूड आई वुड लाइक टू शेयर विद यू दैट Swastvriksh Foundation वुड लाइक, एक बहुत सिंपल मोटो है, वी वॉन्ट टू ब्रिंग स्माइल्स ऑन द फेसेस ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल एवरी सिंगल डे, एंड वी बिलीव दैट वन डे we will be the largest NGO in the entire world doing this cause and helping millions of people. Super. Ma'am, kuch ek general perspective aapka janna chahta hu. Waqt ke sath samaj mein bhi kafi badlav aaye hain, hai na? Log ab jo commonly dekh rahe hain wo hai divorces ka hona. What's your thought about it? Okay. Out of the chapter आया है, लेकिन I am liking your questions. Well, देखिए कैसे था पहले, आजेराज, I'll be very honest with you. हमारे parents के जमाने में, उनके पहले या उनके थोड़ा बाद, कि जी शादी हो गई जी तो निभाना पड़ेगा जी, है ना? तो अभी कहते हैं कि प्यार किया तो निभाना पड़ेगा जी, है ना? जी. तो ये जो निभाना पड़ेगा वाला क्लॉज है जो मैं देख रही हूँ वो धीरे धीरे हट रहा है जी. Reason being, nowadays, what people are doing, which is the right thing to do, is number one, hypocrisy हट गई. सच बात. कम हो रही है. मतलब पहले था ना कि जी आप कुछ भी करो लेकिन जी हम साथ में हैं. हम जी अलग अलग रह लेंगे लेकिन दुनिया को दिखाएंगे कि हम साथ हैं. जी. You know, आज hypocrisy हट रही है. At the same time, people are putting their happiness above everything. जी. ठीक है. बिल्कुल सच है कि आपकी फैमिली को आपने खुश रखना है, बट यू cannot गिव what यू डोंट हैव. आप अगर अंदर से खुश नहीं हो तो आप आपकी फैमिली को क्या खुशी दो? बिल्कुल. तो मुझे लगता है कि ऑफकोर्स एज फार एज पॉसिबल द कपल शुड ट्राई टू गेट अलॉन्ग एंड वर्क थिंग्स आउट,
But for some reason or the other, if two individuals are happier without each other, so be it. I mean, there is nothing wrong in that. And I see a lot of couples nowadays taking decisions for themselves as well as their families, which are good for the better future. What's your thought on child adoption? Oh, I think child adoption is one of the best things to do. Mm-hmm. Yeah. I mean, there are no two ways about it. Mm-hmm. Single mothers. Oh, single mothers. Single mothers, way to go women. I mean, mothers हो, fathers हो, I think ये gender की बातें अभी हम लोग धीरे धीरे कम होती जा रही है. Single mother हो, single father हो, as long as she is happy, her kids are happy, we are great. कहते हैं marriage is an institution, है ना? दो लोग जब मिलते हैं तो एक दोनों एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं, है ना? आई एम श्योर डॉक्टर जसमीत चंडोक ने आपसे बहुत कुछ सीखा है. आपने उनसे क्या सीखा है? क्या बात है. सबसे बड़ी चीज जो मैंने डॉक्टर जसमीत चंडोक से सीखी है वो है बीइंग काम इन एवरी सिचुएशन. ही इज अ ज़ेन पर्सन. आप उनको कितना भी हिला दो वो गुस्सा नहीं होते हैं. मतलब आई हैव हार्डली सीन हिम गेटिंग एंग्री एंड दैट इज समथिंग व्हिच आई थिंक आई नीड टू इनकॉर्पोरेट एवरी सिंगल डे. सो दैट इज द बिगेस्ट लर्निंग. आई ऑल्सो बिलीव दैट ही इज वन ऑफ माई बिगेस्ट चीयर लीडर्स. सो माई स्मॉलेस्ट अचीवमेंट ही इज ऑलवेज देयर विद मी. बट येस, बींग काम, बींग कम्पोज एंड जस्ट बींग मी. बिकॉज इट इज सेड ना दैट यू नो अनलेस आई एम यू नो आई कांट बी फ्री अनलेस आई एम मी. So being me is what I've learned the most. And being you, what exactly do you do when you get your me time? What's your me time? Well, my me time is meditation. So I just sit myself and go in my own world, in my thought process. And I think that is the best time when I meditate. To be very honest, काफी बार meditate करते करते मैं सो भी जाती हूँ. But that is the best me time. एक तरफ क्लिनिक की जिम्मेदारी, दूसरी तरफ स्वास्थ्य वृक्ष फाउंडेशन के सपने को आगे ले जाना, एक इनिशिएटिव को आगे ले जाना, और तीसरी तरफ अपने परिवार को भी हैंडल करना. आगे क्या सपना, क्या क्या करना है? सो अगर प्रोफेशनली हम बात करें, जैसे मैंने आपको बोला, ब्रिंगिंग स्माइल्स ऑन द फेसेस ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल एवरी सिंगल डे थ्रू स्माइल डिजाइनिंग, carving beautiful smiles, and through the NGO, making maximum people smile. So, that is it. That's the goal. That's it. ये मेरा आखिरी सवाल था. अगर जिंदगी की एक सुनहरी किताब लिखी गई, उस किताब के एक सुनहरे पन्ने पर ये नाम लिखा गया, डॉक्टर दीपिका थोसरे चंडोक, उसके नीचे वो कौन सी लाइन, वो कौन सा कोट, वो कौन सी बात लिखी रहनी चाहिए जिसे पढ़ने के बाद लोग आपको याद करें? Wow. So Dr. Deepika Chandok loved, served, laughed and carved a million smiles. Thank you. Super. Ma'am, उम्मीद है कि आप अपने ये दोनों ही कामों में आगे बढ़ें. एक तरफ आपका जो उद्देश्य है जिसको लेकर आप चल रही हैं, लोग यू नो हजारों और करोड़ों लोगों के चेहरे पर वो परफेक्ट स्माइल लाने की कोशिश, और दूसरा आपका ये फाउंडेशन का काम, यू नो जिसके माध्यम से आप लोगों तक वो पहुंचाना चाहती हैं जो एक तरीके की नीड ऑफ द आवर भी है, और ये जो एक कोशिश है यू नो कि लोग लोगों की मदद करें और यू नो हम सब एक साथ आगे बढ़ें, तो ये जो कोशिश है आपकी उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं. आपसे बस यही कहना है कि आप आगे बढ़ते रहिए. वो कहते हैं ना, सर चुनाव आता है तो नेता को कहते हैं कि आप आगे बढ़िए हम आपके साथ, तो राज की बात का समर्थन आपके काम के साथ हमेशा रहेगा. आप ऐसे आगे बढ़ते रहिए और आई एम श्योर यू विल रीच द स्काई. थैंक यू फॉर बीइंग माय गेस्ट एंड इट्स एन ऑनर मीटिंग यू. थैंक यू सो मच आरजे राज, इट वाज वंडरफुल टॉकिंग टू यू एंड मोर देन एनीथिंग इट वाज वेरी 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 कंफर्टेबल. सो थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट टू यू टू. थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच. डॉक्टर दीपिका चंडोक से बात हुई, मुलाकात हुई इन दिस एक्सक्लूसिव एपिसोड ऑफ राज की बात विमेन ऑफ द ईयर. इस इंटरव्यू के माध्यम से एक बात जो आपको पहुंचाने की कोशिश शायद डॉक्टर दीपिका चंडोक कर रही थी, वो इस पूरी इंटरव्यू के दौरान उन्होंने अलग अलग तरीके से, अलग अलग भाव से, स्वभाव से आप तक ये बात पहुंचाई कि कोशिश ना किसी एक ने शुरू करनी चाहिए, कोशिश तो शुरू करनी चाहिए, है ना? कोशिश
करने के बाद ही आप वहाँ तक पहुँच पाते हैं जहाँ तक पहुँचना चाहते हैं। और किसी ने बड़ा खूब लिखा है कि दर्जी अब सलवार में जेब लगाने लगे हैं और लड़कियों को यहाँ तक आने में जमाने लगे हैं। ये जो बदलाव समाज में देखने को मिल रहा है, जहाँ पर महिलाएं लड़कियाँ एक कोशिश में लगी हैं, और वो कोशिश है सिर्फ खुद को आगे बढ़ाने की नहीं, पूरे समाज को आगे बढ़ाने की। रविंद्रनाथ टैगोर जी की काफ़ी सारी चीज़ें, लेख, उनकी कविताएं, उनकी किताबें लोगों ने पढ़ी हैं, उसको इम्प्लीमेंट किया है। लेकिन एक चीज़ शायद उन्होंने कही लेकिन लोग ये बात को समझे ही नहीं, तो समझने की ज़रूरत है, और वो है एकला चलो रे। उनका ये गाना है बंगाली में, एकला चलो रे, कविता है बड़ी खूबसूरत, और वो कविता भी यही कहती है कि जब आपको कोई साथ ना दे तो कम से कम आप तो चलिए, आप मत रुकिए ना। एक कोशिश करने में कुछ नहीं जाता, और जब दीपिका चंडोक जैसे लोग समाज में आते हैं तो वो किरण जागती है, वो उम्मीद जागती है कि कोई तो है जो कोशिश कर रहा है। उम्मीद ये है कि ऐसे लोग और आए समाज में, ऐसी और महिलाएं आएं और ऐसी स्त्रियां आएं जो आकर ना ही सिर्फ खुद के बारे में लेकिन समाज के बारे में भी सोचे। और ये कहना उनसे बिल्कुल सही होगा कि प्रेम परिचय को पहचान बना देता है, वीराने को गुलिस्तान बना देता है। मैं अपनी नहीं डॉक्टर दीपिका चंडोक की कहता हूँ कि समाज के प्रति प्रेम और भाव इंसान को भगवान बना देता है। आपसे फिर होगी मुलाकात इन राज की बात, तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, व्यस्त रहें, परिवार के साथ एक अच्छा वक्त बिताएं। और अगर आपके परिवार में एक बेटी है जो अपने पापा की उंगली पकड़कर चलती है, जब पापा देर तक काम से वापस नहीं आते तो उनका इंतजार दरवाजे पे खड़े होकर करती है, और हल्की सी गाड़ी की आवाज़ आती है तो दौड़ कर जाती है और ये देख कर आती है कि पापा आए कि नहीं, क्योंकि एक दिन उसे अपने फादर जैसे बनना है, अपने पिता जैसे बनना है, तो समझिए वो डॉक्टर दीपिका चंडोक बन रही है। जिंदा रहें, जय हिंद।